गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ आफ्टर वेडिंग। सो राइट नाउ द टाइम इज 7 AM और मैं उठ चुका हूँ, मैंने शूज़ पहन लिए हैं, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ। स्वप्निल अभी सो रही है, पापा भी उठ चुके हैं बट वो अभी लेटे हुए हैं, तो फटाफट मैं रनिंग करके आता हूँ। जब तक वापस आऊँगा तब तक स्वप्निल जग चुकी होगी, तो आपको फिर स्वप्निल से भी मिलाता हूँ और पापा से भी मिलाता हूँ। और फॉर नाउ लेट्स गो फॉर रन। तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। आज मैंने सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर भागा होगा, दैट्स इट। अभी बहुत तेज भूख लग रही है, आई होप स्वप्निल उठ चुकी होगी। तो गाइज अभी हम लोग ने जस्ट ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं आपको अब स्वप्निल से मिलवाता हूँ। स्वप्निल अभी सुबह की अपनी चाय पी रही है। आज लंच में क्या बना रही हो स्वप्निल? अरे वो इडली सांभर कह रही थी ना तुम? हाँ ठीक है, इडली सांभर। सो आज लंच में बनने वाला है इडली सांभर, मैं आपको उसका रिव्यू जरूर दूंगा। सो गाइज अब यहाँ पे इडली बननी शुरू हो चुकी है। स्वप्निल उसके बाद इडली बनेगी। So here is the batter. So Swapnil, अच्छा आप ये बताओ कि तुम सबसे अच्छी चीज क्या बना लेती हो? बुद्धू। वो तो मुझे पता चल गया है, but खाने में तुम सबसे अच्छी चीज क्या बना लेती हो? मटर मशरूम। मटर मशरूम, हाँ वैसे गाइज मटर मशरूम मैंने खाए हुए हैं इसके हाथ के, अच्छे बना लेती है। पोहा भी। हाँ पोहा भी। तो एक दिन हम एक पूरा दिन का व्लॉग शूट करेंगे जिसमें तुम तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाओगी। काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, मैं नहीं बनाऊंगी। तो स्वप्निल क्या आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज कि पूरा दिन तुम अपनी फेवरेट डिशेस बनाओगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी बनानी आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। डिनर मैं नहीं कर सकती क्योंकि डिनर मेरे को आलस आता है, मैं ब्रेकफास्ट और लंच कर सकती हूं। उसे रोटी आप बना देना। ये चैलेंज मुझे ही भारी पड़ रहा है, सो आई थिंक वी शुड स्किप दिस वन। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। शादी के बाद ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आता है। मैं वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था बाहर, बट कभी कभार मैं ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर लेता था, बट अब हमें स्पेशली बिग बाज़ार जाना पड़ता है और वहाँ से ग्रोसरी लेके आनी पड़ती है, क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड मैं रेडी हो चुका हूँ एंड स्वप्निल इज़ गेटिंग रेडी, बट तब तक मैं आपको एक और बड़ा चेंज दिखाता हूँ कि मेरी पूरी वार्डरोब अब मेरी नहीं रही है। शादी से पहले मेरी पूरी वार्डरोब थी, अब मेरा सिर्फ छोटे 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 सेक्शंस हैं, बाकी हर जगह स्वप्निल का सामान आ चुका है। लेट मी शो यू। सो यू कैन सी मेरी बस ये 2 शर्ट्स हैं, बाकी ये सब स्वप्निल का है, ये सारा स्वप्निल का है। मेरा ये छोटा सा सेक्शन है, ये भी स्वप्निल का है, ये मेरा है, और बस मेरे पास सिर्फ ये एक सेक्शन है, बाकी ये पूरा स्वप्निल का है, ये सब कुछ स्वप्निल का है। बाथरूम में भी मेरा सिर्फ थोड़ा सा ही सामान है, हर जगह इट्स हर आइटम, यू कैन सी एवरीवेयर इट्स ऑल लेडीज आइटम। और इतने सारे आइटम हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर शैम्पू है तो सिर्फ 2 वैरायटी हो सकती है, बट हमारे यहाँ पे 4 या 5 वैरायटी है, फेस वॉशेस की भी इतनी सारी वैरायटी है। शादी के बाद ये हो जाता है, अपना घर, अपना जो बेडरूम है, अपनी जो कबर्ड है, वो अपनी नहीं रहती है, किसी के साथ आपको शेयर करनी पड़ती है, बट इट्स फाइन, इट्स ऑल्सो अ न्यू फेस। तो अब हम निकलते हैं बिग बाजार की तरफ, आपसे मिलते हैं सीधे वहीं पर। तो स्वप्निल मेरी पूरी अलमारी अब तुम्हारी हो चुकी है, इस पर क्या रिएक्शन है तुम्हारा? जो बचा हुआ सेक्शन है वो भी खेलना है, I'm just planning for that. Oh no. कितनी लेट आई हो तुम? कितनी लेट आई हो?
स्वप्निल हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग के बाद अब हम लोग आए हैं खाना खाने हल्दीराम्स। स्वप्निल क्या हुआ? सो फूड इज़ हेयर, सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग एंड स्वप्निल का मूड अब फाइनली ठीक हो गया है। सो गाइज अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और पापा यहाँ पे ग्रीन टी पी रहे हैं एंड स्वप्निल चाय बना रही है, उसका चाय पीने का मन है। चाय मिल गई है और अब बज रहे हैं रात के 9:30 एंड वी आर डन विद द डे। मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में और हाउ माई लाइफ हैज़ चेंज्ड एंड इट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली बट ऑफ कोर्स इन ए पॉजिटिव नोट, इन ए गुड नोट। ये बहुत ही रैंडम व्लॉग था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया था, जो भी जैसे भी हो रहा था सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया एंड आई एम शेयरिंग विद यू। और अगर आप ऐसे और भी ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो लेट अस नो and Swapnil is also here. So with this we are ending our vlog here. That's it for today's video. If you like this video, give this video a like, do subscribe and comment करके बताइए मुझे कि आप ऐसे और videos देखना चाहते हैं या नहीं and that's it. I'll see you in my next video. Till then, bye.